कोरोना ने एक तरफ लोगों का जीना मुहाल किया तो वहीं दूसरी ओर लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव भी आ गया है। लेकिन इन सबसे परे अब लोग कुछ हद तक नॉर्मल भी होते जा रहे हैं और ये मुमकिन हुआ है वैक्सीन से। जी हाँ, कोरोना को हराने के लिए बनाई गई वैक्सीन को देश के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन सभी जगहों में यूपी का अमेठी इस बार भी बाजी मार ले गया। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। अगर हम ये कहें कि आपके जिले अमेठी में इस वक्त सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई जा रही है तो क्या आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे? हो सकता है शायद ना करें, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, अमेठी में इस वक्त सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है और यही वजह है कि 3 अगस्त को चलाए गए कोविड टीकाकरण महाअभियान में अमेठी में आवंटित लक्ष्य से करीब 3,000 अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। ये एक बड़ा आंकड़ा है और यही सबसे बड़ी वजह भी है कि अमेठी टीकाकरण की दृष्टि से प्रदेश के 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों में शामिल हो गया है। वहीं बात करें कि किन हालातों में वैक्सीन लगाई जा रही है तो वो आप खुद देख सकते हैं। सैकड़ों की भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं। जिले के सभी 4 तहसीलों में कुल 204 सेंटर्स बनाए गए। महाअभियान के दौरान एक दिन में करीब 24,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। डीएम अरुण कुमार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी केंद्रों पर लक्ष्य से अधिक वैक्सीन हो, किसी को बैरन ना लौटना पड़े। प्रशासन की सख्ती और स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग का असर रहा कि अभियान समाप्त होने तक जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक कुल 26,915 लोगों को टीका लगाया गया है। वहीं CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि जिले में अब तक 4,93,751 व्यक्तियों को टीकाकृत किया जा चुका है। इनमें से 4,22,186 को एक तो वहीं 71,605 व्यक्तियों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। सब कुछ सही रहा, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास पहुंची वो काफी चिंताजनक थी। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।